आपका जी की खबर नाउ 24x7 में और मैं हूँ आपके साथ नेहा ठाकुर। चलिए रुक करते हैं जम्मू कश्मीर की तमाम बड़ी खबरों पर। आज स्थानीय लोगों ने प्रेस वार्ता की जिस पर डॉक्टर द्वारा लगाए गए आरोप बेबुनियाद बताए। आपको बता दें कि 20 तारीख को डिप्टी कमिश्नर प्रसन्ना रामास्वामी के बीच और डॉक्टर के बीच कहासुनी हुई थी और उसके बाद डॉक्टर हड़ताल पर चले गए थे, पर लोगों का कहना है जहां डॉक्टर गलत है, डॉक्टर हमेशा मरीजों के साथ मिसबिहेव करते रहते हैं। रियासी से रोमेश कुमार राहुल की रिपोर्ट। तो डॉक्टर्स की एसोसिएशन है वो इन डॉक्टर्स की जो इलीगल एक्ट इन्होंने रियासी में किया है, जो एक नॉबल प्रोफेशन में होते हुए इनको नहीं करना चाहिए था और इस नॉबल प्रोफेशन को इन्होंने बदनाम करने की कोशिश की है, इनका इनको सहयोग नहीं देना चाहिए और इनके खिलाफ उन्होंने कार्रवाई करनी चाहिए। कोई ऐसी बात नहीं कि डॉक्टर झूठ बोल रहे हैं और जम्मू की जो डॉक्टर एसोसिएशन जो जम्मू की है उनको भी मिसगाइड कर रहे हैं ये डॉक्टर। वो डॉक्टर यहाँ आके देखें इन्होंने क्या गलत किया है, ये लोगों को पीटते हैं मारते हैं, ये डॉक्टर थोड़ी हैं। तो जम्मू में भी इन्होंने स्ट्राइक का कुछ ऐसे माहौल बनाया है, ऐसा नहीं है। पीएचई अस्थायी कर्मचारियों ने पीएचई कार्यालय परिसर में किया धरना प्रदर्शन। जी हां, आपको बता दें 51 माह का बकाया वेतन और एसआरओ 520 लागू करने जैसी मांग को लेकर पीएचई कार्यालय परिसर में शुक्रवार को पीएचई अस्थायी कर्मचारी बड़ी संख्या में जमा हुए और इस दौरान कर्मचारियों ने प्रदर्शन करते हुए पीएचई विभाग के उच्च स्तर के अधिकारियों और राज्यपाल से ये गुहार लगाई कि हमें हमारा 51 माह का बकाया वेतन जल्दी जारी करने के साथ साथ एसआरओ 520 लागू किया जाए। कालाकोट से साहिल कॉल की रिपोर्ट। सबसे पहली है कि हमारा पेंडिंग वेजेस अभी तक 50 महीने हो चुके हैं, पेंडिंग वेजेस रिलीज नहीं किया गया और हम लोग भूखे प्यासे बैठे हुए हैं और हमारे बच्चे स्कूलों से निकाले गए हैं, हमारे घर माँ बाप हैं बुजुर्ग बेचारे, उनका हमारे पास पैसे नहीं हैं कि हम उनका कहीं तरीके से इलाज करवाएं। और दूसरी बात है, गवर्नमेंट ने बहुत बार आश्वासन दिया है कि हम एसआरओ 520 लागू करने लगे हैं और पेंडिंग बेजी रिलीज करने लगे हैं और सब कुछ ग्राउंड लेवल में कुछ भी दिखाई नहीं दिया, सब कुछ हमें धोखा ही इसका दिखाई दे रहा है। रियासी के बस स्टैंड कोर्ट रोड के पास चौक पर सरकारी बॉयज हायर सेकेंडरी स्कूल रियासी के शिक्षक के खिलाफ प्रदर्शन करते स्कूल के विद्यार्थी और अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ता। विद्यार्थियों ने शिक्षक पर लगाया 11वीं कक्षा के विद्यार्थी को थप्पड़ मारने का आरोप। एबीवीपी के कार्यकर्ताओं ने कहा अगर शाम तक शिक्षक द्वारा माफी नहीं मांगी जाती है तो कल फिर से विद्यार्थी और एबीवीपी के कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन करेंगे। रियासी से रोमेश कुमार राहुल की रिपोर्ट। आज 4 बजे तक उसने माफी नहीं मांगी तो कल से बॉयज हाई सेकेंडरी का स्कूल बायकॉट रहेगा, कोई भी बच्चा स्कूल के गेट तक तो जाएगा लेकिन उसके अंदर नहीं जाएगा। हमारा प्रदर्शन जारी रहेगा और ये तब तक जारी रहेगा जब तक वो टीचर माफी नहीं मांगता। रमणीक सिंह पुत्र हरनीक सिंह वार्ड नंबर 3 आरएसपुरा तहसील आरएसपुरा जिला जम्मू राजपुरा घगवाल बॉर्डर पुलिस पोस्ट पर प्रभारी एसआई सरदार कर्नेल सिंह की होशियारी से सुबह 5:43 पर चालक समेत पशुओं से भरे वाहन को धर दबोचा। महिंद्रा चालक को धान के खेत में थोड़ी दूर जाकर धर दबोचा। पकड़ी गई महिंद्रा गाड़ी में से 5 पशु बुरी तरह से बंधे हुए थे जिसमें 1 गाय और 4 बैल थे। घगवाल से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। बनी से आ रही तेज रफ्तार बोलेरो ने रिहानी में एक राहगीर को टक्कर मार दी जिससे राहगीर बुरी तरह जख्मी हो गया और इस एक्सीडेंट में बोलेरो के ड्राइवर को भी काफी चोटें आई हैं। बनी से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। हीरानगर में सामाजिक संगठन सीमा जन कल्याण समिति की तरफ से 2 कार्यक्रम विलय दिवस के करवाए गए। पहला गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल हीरानगर में हुआ जिसमें 650 बच्चे और 42 अध्यापक वाइस प्रिंसिपल ओम दत्त शर्मा और उनका स्टाफ मौजूद रहा। वहीं दूसरा कार्यक्रम भारतीय विद्या मंदिर हाई स्कूल हीरानगर में हुआ, इसमें 300 बच्चे 22 अध्यापक मौजूद रहे। इस कार्यक्रम में मुख्य वक्ता मास्टर रामलाल, प्रांतीय कार्यकारिणी अध्यक्ष रहे स्कूल के प्रधानाचार्य जगदेव सिंह और मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान मास्टर अशोक शर्मा भी उपस्थित रहे। हीरानगर से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट।
बीएमओ पुंछ डॉक्टर परवेज अहमद खान ने एक प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसमें उन्होंने स्वच्छता से जुड़ी कई बातें और स्कीम्स की जानकारी दी। पुंछ से आकाश मलिक की रिपोर्ट। कल जो वीडियो वायरल हुई है, कल कोई इवनिंग को मैंने भी देखी कि 23 अक्टूबर को एमआर वैक्सीनेशन मीजर रुबेला वैक्सीनेशन जो है वो हमने बालाकोट में की, और मैं पर्सनली वहाँ पर गया था कि बॉर्डर का एरिया है, फार्फ्लंग एरिया है और हमेशा इग्नोर रहता है, तो इसलिए मैं वहाँ पर्सनली गया था। सभी बच्चों को 3-4 स्कूल थे, जिसमें सनोट था, हुंडी मस्जिद, बैरोड और प्राइमरी स्कूल पर था सनोट का, एक 4 स्कूल में करवाई, 100% वैक्सीनेशन हुई। पहला दर्शन मेमोरियल क्रिकेट टूर्नामेंट का आज शुभारंभ हुआ, जिसमें कई टीमें हिस्सा लेंगी। श्री सरफ सिंह ने इस टूर्नामेंट का उद्घाटन किया। रियासी से रोमेश कुमार की रिपोर्ट। जिला फॉरेंसिक एसोसिएशन सांबा की तरफ से घगवाल के मॉडल हायर सेकेंडरी स्कूल 22 से लेकर 25 तारीख तक चली फॉरेंसिक प्रतियोगिता का हुआ समापन, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में एसडीएम घगवाल ऋतु महाजन और तहसीलदार हरजीत सिंह ने शिरकत की, और चीफ गेस्ट हायर सेकेंडरी स्कूल के प्रधानाचार्य और पंजाब केसरी के सीनियर पत्रकार गोपाल शर्मा थे। फेंसिंग प्रतियोगिता में विभिन्न स्कूलों ने भाग लिया, जिसमें मुख्य स्कूल टैगोर इंस्टीट्यूशन और हायर सेकेंडरी स्कूल रहा। सांबा से अखिल पंगोत्रा की रिपोर्ट। गवर्नमेंट गर्ल हायर सेकेंडरी स्कूल में लीगल एड सर्विसेज की जानकारी के लिए तहसीलदार बसोली ने एक कैंप का आयोजन किया। बसोली से दीपक शर्मा की रिपोर्ट। सुरनकोट के केजीबीवी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन जो बीपीएल और एसटीएससी बच्चों के लिए बनाया गया है, में बच्चों को बहुत ही दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सुरनकोट से आकाश मलिक की रिपोर्ट। हमें बेड नहीं है, सोने की बहुत ज़्यादा तंगी है, और हमारे पास डेस्क भी नहीं है बैठने के लिए क्लास में। जी अच्छा, तो और अच्छा है उनके लिए। यहाँ गवर्नमेंट की तरफ से तो हर फैसिलिटी दी गई है, बट एक ही प्रॉब्लम है कि यहाँ पर गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है, जिसकी वजह से हम पूरे अपने काम में नहीं उतर सकते हैं। जितना कुछ हमें करना चाहिए, जितना कुछ गवर्नमेंट भी हमें दे रही है, उस हिसाब से हम नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि हमारे पास गवर्नमेंट बिल्डिंग नहीं है। बच्चों को कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि मान लो कि बच्चे, उनके लिए डाइनिंग हॉल नहीं है, बच्चे नीचे सोते हैं। फिलहाल हमारे आज के इस बुलेटिन में इतना ही। जम्मू कश्मीर की तमाम छोटी बड़ी खबरों के लिए सब्सक्राइब कीजिए जेके खबर नाओ। आप हमारा फेसबुक पेज जेके खबर नाओ भी लाइक कर सकते हैं, और अगर आपकी कोई न्यूज है तो आप नीचे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर अपने फोटो और नाम के साथ हमें भेज सकते हैं।